फिर से खा के बताती हूँ, नई चीज है ना, दो दो बार खाऊंगी। क्योंकि तो कहा था साइड पे जाके बोल रहे लोकेशन पूरा बता दो फिर। ओके, तो ये जो हॉट डॉग है ना, मुझे नाम से जरा नहीं लग रहा था कि ये कोई अच्छी चीज है। तो आज मैं आई हूँ द अर्बन हॉट रोल्स पे। तभी मैंने पूरे 15 मिनट की मुशक्कत के बाद और पूछ के मैंने ये सोच लिया है कि मैंने क्या ऑर्डर कराना है। तो आज मैं ऑर्डर कराऊंगी न्यू यॉर्क रोल। इसके अंदर जो चीज़ डलती है ना, वो है हॉट डॉग्स, जो कि पहले मैंने कभी नहीं खाए। हाँ, वीडियोस में देखे हैं मैंने, लेकिन खाए कभी भी नहीं है। तो आज मैं पहली बार खाऊंगी और आपको बताऊंगी कि क्या टेस्ट है और कैसा लग रहा है। और अगर मुझे ये अच्छा लगा तो मैं लोकेशन सेंड करूंगी, आप सब भाग भाग के आ जाइएगा। तो मेरा ऑर्डर आ गया। ये देखने में तो मुझे बर्गर जैसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा। तो अब खा के बताती हूँ कैसा है। लेकिन इसके अंदर जो इन्होंने चीज़ें डाली हैं ना, वो बर्गर वाली बिल्कुल भी नहीं थी। इसके अंदर इन्होंने जो डाला था हॉट डॉग, उसका मुझे सबसे पहले बड़ी एक्साइटमेंट है कि उसका टेस्ट कैसा होता है, क्योंकि मैंने पहले वो नहीं खाया। उसके बाद ही ऊपर सॉसेस डाली, सॉसेस डाली थी। उसके बाद ये एलेपिनोज डाले थे, ये चीज़ मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा वो डाला हुआ है। तो अभी ये सारा कुछ मैं टेस्ट करूंगी और फिर भी बताऊंगी, पूछूंगी भी कि ये मतलब कौन सी डिश है, कहाँ से आई है, कैसे खोल लिया इसको यहाँ पे। तो फिर अभी इसको टेस्ट करते हैं। अरे, ये तो बड़ा बढ़िया काम हो गया। ये जो हॉट डॉग है ना, मुझे नाम से जरा नहीं लग रहा था कि ये कोई अच्छी चीज है। लेकिन जिसका फ्लेवर है ना, वैसे चिकन चिकन टाइप का कुछ है, बड़ा मज़ेदार सा है ये। फिर से खा के बताती हूँ, नई चीज़ है ना, दो दो बार खाऊंगी। इस पर सॉसेस का फ्लेवर है, हल्का सा गार्लिक का भी फ्लेवर है, कुछ इन्होंने गार्लिक का भी किया है। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये अमेरिकन डिश है और इसको जो इन्होंने कहा था अमेरिकन डिश है। और ओके, सो बेसिकली अमेरिकन स्टाइल हॉट डॉग्स है मिक्स्ड विद अफ्रीकन फ्लेवर्स, और इसके साथ हम एलेपिनोज, ऑलिव्स और चीज़ का ऐड करते हैं थोड़ा सा। जब अमेरिकन स्टाइल हॉट डॉग्स का वो मिक्स होता है ना अफ्रीकन फ्लेवर्स के साथ, तो इट्स काइंड ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लास्ट ऑफ फ्लेवर्स। तो होपफुली डू कम एंड यू विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लास्ट। थैंक यू। ये बहुत अच्छा है, आप इसको खाने के बाद हर किस्म के बर्गर भूल जाएंगे। और मैं बर्गर खा के वैसे ही बहुत ज़्यादा तंग और आवाज़ार हो गई थी, तो ये वाली चीज़ जो थी वो बड़ी न्यू है और मुझे अच्छी लगी है। अगर आपको लग रहा है ना कि मैं ये सच नहीं बोल रही, तो आप एक बार आके ना यहाँ पे ज़रूर ट्राई करें। इसकी जो लोकेशन है ना, वो है KFC के बिल्कुल सामने ये होते हैं। इनका बड़ा प्यारा सा ऑटो है ब्लैक कलर में, और बड़ी प्यारी सी इन्होंने ऊपर लाइटिंग की हुई है। और ये इकबाल टाउन में है, KFC के बिल्कुल सामने।